मैसेज करते हैं जनाब अली खुश आमदीद मैसेज करते हैं जनाब अली खुश आमदीद कहते हैं आपको एक बार फिर और हमारा ये अब डिबेट का मुकाबला है। तो इकरार भाई आज ही अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो गया अभी इसका भी पहला ही सिलसिला अभी जी अभी पहला ही है गालिबन क्योंकि ये मुकर्ररीन मेरी नज़र से नहीं गुजरे देखिए भले नहीं लग रहा ठीक है सही जनाब। तो ये वी गो टेल ज़ाविया और हमारे मुकर्ररीन हमारे साथ हैं आज हैं ख्वाजा साद समाना बतूल और सैफुल्ला समो। डिबेट कॉम्पिटिशन है हमारा इसकी जो फाइनल के विनर है उनके लिए 2 लाख का कैश प्राइज़ है और आज जो रनर अप है उनके लिए वीगोटेल की जानिब से मोबाइल का तोहफा है पाकिस्तान का अपना मोबाइल वीगोटेल। रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों के इल्म में है 2 मिनट 2.5 मिनट बजर माइक बंद शौके कमाल भी नहीं खौफे जवाल भी नहीं यह है आज का मौजू शौके कमाल भी नहीं खौफे जवाल भी नहीं। हमारे पहले मुकर्रर हैं फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से जनाब ख्वाजा साद बिस्मिल्लाह। असरे हाजिर अपनी तमाम तर जलवे सामानियों और शोले खसालियों समेत एक ताजियाना इबरत बन चुका है सदरे आली वकार के अजाजील के खूंखार पंजे इस जहाने रंगो बू को बेनूर कर चुके कि यहां भरसंत आंसू दर्द कर रहे सिसकियां और लाशों के अंबार लगे हैं। ये इंतशारो इख्तराक के बगुलों में गिरी सरजमीने फलस्तीन है सदरे आली वकार के जहां हर रोज नफरतों अदावत के बाजार सजते हैं जहां जालिम अपनी प्यास मुसलमानों के खून से बुझाते हैं जहां मस्जिदों से अल्लाहु अकबर की सदाएं और इत्र की खुशबू नहीं बल्कि बमो बारूद की आवाजें और बू आती है यहां नन्नी सी कायनात पूरी कायनात से सवाल करती है कि मेरे बाप को लुकमाए जल बनाने वालों बताओ मेरे बाप का कसूर क्या था। लेकिन हम इस जुल्मो जबर पर मातम कुना नहीं होते सदरे आली वकार क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिन्हें अब शौके कमाल भी नहीं और खौफे जवाल भी नहीं क्योंकि बात सिर्फ फलस्तीन में होने वाले मजालिम की नहीं बल्कि इस कौम की बेहिसी तो देखें कि जिन्हें अब शौके कमाल भी नहीं रहा और खौफे जवाल भी नहीं रहा कि ये शुतुरमुर्ग की सहरी पे तो फिक्रमंद है मगर इसे भूखो प्यास से तड़पते और बिलकते बच्चे दिखाई नहीं देते। पतंगबाजी तो हमें ऐसा लुत्फ मुहैया करती है कि इस खेल के बाइस कई नौजवान मौत की नींद सुला दिए जाते हैं मगर हमें शौके कमाल भी नहीं खौफे जवाल भी नहीं। इसी सरजमीन पे जाली ढोंगी बाबाओं के हाथों कई अफराद मौत की नींद सो जाते हैं मगर वो पुकारते रहते हैं कि आखिर तुम में शौके कमाल या खौफे जवाल क्यों ना रहा। इसी सरजमीन पर सानिया साहिवाल और सानिया सियालकोट जैसे वाकयात रोनुमा होते हैं तो कभी इसी सरजमीन पर रुखसाना बीबी जैसी कई सैकड़ों खवातीन को गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया जाता है मगर ये दरिंदा सिफत लोग पुकारते रहते हैं कि तू मेरा हौसला तो देख दांत तो दे कि अब मुझे शौके कमाल भी नहीं खौफे जवाल भी नहीं शौके कमाल भी नहीं खौफे सवाल राइट जनाब बहुत शुक्रिया ख्वाजा साद हमारे पहले मुकर्रर थे फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से समाना आ रही हैं समाना बतूल का ताल्लुक है डाओ यूनिवर्सिटी से जनाब बिस्मिल्लाह समाना बतूल साहिबा। मौजू क्या है गोया ख्यालात से लड़कर अपना गिरेबान चाक करना है बल्कि जोन साहब के अल्फाज में कहूँ तो सीना दहक रहा हो तो क्यों चुप रहे कोई क्यों चीख चीख कर न गला छील ले कोई। सदर मोहतरम सीना क्यों न दह के गला क्यों न छील लिया जाए गिरेबां क्यों चाक न हो। मैं उस कौम से हूँ जिसे सितारों पर कमंद डालना थी जिसके जवानों में उकाबी रूह बेदार होना थी जिसे दयानत और सदाकत का सबक सीखना था मगर वो निगाहें जो फकत टिकटॉक पे जमी हों वो आसमानों में अपनी मंजिल कैसे ढूंढे सोशल मीडिया के नशे से धुत वजूद खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत कैसे बने। वो जवान जिसका मुद्दा फकत पैसा कमाना हो उसको दर्द दिल से क्या गर्ज आज ये सब बातें फकत खाबो ख्याल नजर आती हैं। आज अगर अल्लामा खुद जिद्दा होते तो एक ही नोहा उनकी जबां पर होता वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा कारवां के दिल से एहसास ज़ियां जाता रहा।
आज ये सासे ज़िया मुकम्मल तौर पर हमसे रुखसत हो चुका। आज हम ज़ियाकारी के तमाम मराहिल तय कर चुके, यहाँ तक कि आज हमें खौफे ज़वाल भी नहीं रहा। जवान जिन्हें मिलत इस्लामिया की रीढ़ की हड्डी बनना थी, जिन्हें फ़लस्तीन और कश्मीर के मजलूमों के ज़ख्मों पर मरहम रखना थी, वो जवान तो इंटरटेनमेंट के नशे से बाहर निकलना नहीं चाहते। जिन्हें दुनिया की बागडोर संभालना थी, वो तो पतंग की डोर से चिमटे खड़े हैं। जिन्हें मुमलिकत खुदादाद को ओजे सुरैया तक ले जाना था, वो तो इलाकाई और लिसानी झगड़ों की पस्ती से निकल नहीं रहे। ना तहजीब मशरिक, ना तालीम मजहब, ना सकाफत की पासबानी, ना रिवायत की पासदारी, बदन की परस्तिश के सिवा कोई शौक बाकी नहीं रहा। तफरी और महज तफरी गोया खुद फरेबी की एक दलदल है, जिसमें धसे चले जा रहे और जिससे निकलने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। हमारा बर्गर और कोल्ड ड्रिंक तो फ़लस्तीनियों के खून से ज़्यादा कीमती है, हमारे हंसी ठट्ठे तो किसी इल्मी काम से ज़्यादा अहम है। हकीकत तो ये है कि हम अपनी मस्ती में गर्क रहना चाहते हैं, और बकौल जॉन इतने अजीब हो चुके कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं, शौक़े कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और हमारे आज के जो आखिरी मुकर्रर हैं, जनाब सैफुल्ला समो, MTQ एकेडमी, मीरपुर खास से। MTQ stands for? मदरसा-ए-तालीम-उल-कुरान। मदरसा-ए-तालीम-उल-कुरान, ज़बरदस्त। जनाब बिस्मिल्लाह। ये 13वीं सदी का शहर बगदाद है सदर आली वक़ार, खलीफा ए वक्त तावुस और रुबाब से जी बहलाने में मगन है, तो कहीं दूर हिलाकू खान सल्तनत इस्लाम पर कब्ज़ा करने के मंसूबे बना रहा है। आलाते हरबो आलाते मौसीकी के हवाले से बेमिसल शहर, मुसिल से हिलाकू के लश्करी जंगी साजो सामान खरीद रहे हैं, और खलीफा वक्त का काफिला इसी शहर से आलाते मौसीकी लेकर जा रहा है। यानी शौके कमाल ख़त्म हो चुका है, दरबार शाही में महफिल रक्स जारी है। एक तीर रकासा को लगता है, बादशाह खिड़की बंद करवाने का हुक्म जारी कर देता है, रक्स फिर भी जारी रहता है। दरबार शाही बिल्कुल गुमगान बैठ चुकी है, मंगोलों के घोड़े बगदाद को रौंद कर और आके तारीख पर ये पैगाम देते हैं कि जो कौमें शोके कमाल और खौफे जवाल से ला ताल्लुक हो जाएं, तो सफ़े हस्ती से मिट जाया करती हैं। वक्त बदल गया, दौर बदल गया, तारीख का धारा बदल गया, लेकिन वो अंदाज़े तगाफुल नहीं बदला सदर अली वक़ार, कि हम यहाँ बसंत की फजूल तफरी में मशगूल मासूमों की गर्दनें काट देते हैं, और उधर बंदूक की नाल से निकलने वाली एक गोली मासूम फ़लस्तीनी के जिस्म के आर पार हो जाती है। अयाशियों में मस्त मगन ये कौम शौके कमाल और खौफे जवाल से बेबहरा है कि कश्मीर की बहन की बेआबरू हो रही है, लेकिन बुर्जे खलीफा पर हिंदुस्तानी परचम जगमगा रहा है कि सरजमीन अम्बिया खून के आंसू रो रही है, लेकिन सरजमीन अम्बिया खून के आंसू रो रही है, लेकिन दुनिया की दूसरी बड़ी कौम रियासती सरहदों में कैद मुतमईन बैठी है कि सदर आली वक़ार दुनिया की हैरती आँख इस तगाफुल को देख कर ये सोचती रहती है कि गारत रोज़ो शब को देख, वक्त का ये गज़ब तो देख, शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं, शौके कमाल भी नहीं, खौफे जवाल भी नहीं। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। राइट जनाब, आपका बहुत शुक्रिया, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे आज के तीनों मुकर्रीन ने अपने अपने हिस्से की तकरीर कर डाली है, और इकरार भाई ने अपने अपने हिस्से का नतीजा बना लिया है। क्या कमेंट्स है हुजूर वाला? आखिर आप नर्वस तो नहीं है कि मैं साथ बैठा हूँ कि सिर्फ फैसला करूँ? मैं बहुत प्रेशर फील कर रहा हूँ। कुछ मसला नहीं, कुछ अब आप नकल तो नहीं कर रहे मेरे? कोई नहीं। अच्छा, आखिर से आगाज़ करते हैं। सैफुल्ला साहब, देखिए ये एक तो बार थोड़ा सा फंबल था, लेकिन चलिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम वो लोग हैं कि जिन्होंने 5 से 7 मिनट की मिनिमम तकरीर, आमतौर पर डिक्लेमेशन में ऐसा ही होता है। अब अगर आप लोग 2 से 2.5 मिनट की तकरीर को भी उसके टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। आपने 30 सेकंड ज़ाया कर दिए उस 30 सेकंड में जो आप बात कर सकते थे, नहीं आपने 2 मिनट बज़र बजा और साथ ही उस 30 सेकंड में आपका और कितना मवाद आ सकता था। यानी जब जब बतौर मजमू
तकरीर 2.5 मिनट की है तो उसमें 30 सेकंड की बहुत अहमियत है। 2 मिनट वाला बजर तो खाली इंडिकेशन है कि भाई 30 जी तो उसी पर इख्तिताम हो गया, तो इसका मतलब थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का इशू था। तलफ़ुज़ के खैर आज बहुत सारे मसाइल रहे, जलवाए सामानियों कहा आपने, हाँ वो आपने जलवाए सामानियों कह दिया, अच्छा फिर गर्ज आपने कहा, गर्ज कहा जो कि सॉरी गर्ज कहा जो कि गर्ज है, फिर अच्छा एक जो हमारे आजकल के नौजवानों का मसला ख्वाबों और ख्यालों है वो आप में समाना थोड़ा सा ज़रा दिखाई दिया, भारतीय टेलीविज़न का एक इफेक्ट है कि ख्वाब को खा ख्वाब खाला को खाला, तो थोड़ा सा ज़रा उस पर काम करने की आपको ज़रूरत है। अच्छा मेरा ख्याल हम आज तक हलाकू सुनते हैं, आप हिलाकू कह रहे थे, मुमकिन है उसके पीछे कोई तावील होगी, लेकिन हुक्म आपने कहा हुक्म को, तो छोटी छोटी चीज़ें लेकिन खैर इससे बहुत चूँकि सबका ही तकरीबन एक जैसा मामला था तो इसके नंबर तलफ़ुज़ के इक्वली सबको बुरे मिले, लेकिन पहली और जो दूसरी पोजीशन है उसमें वाकईतन 0.5 का अच्छा फ़र्क है, और वो भी चंद एक चीज़ें जिनकी मैंने निशानदही की, और जो दूसरी पोजीशन है उसमें तीसरी पोजीशन में 1 पॉइंट का फ़र्क है दूसरी और राइट राइट। तो तीसरे नंबर पर जो आज हमारी मुकर्ररा या मुकर्रर हैं उनका नाम है समाना बतूल, दूसरे नंबर पर सैफुल्ला फमो है, और आज के मुकाबले के फातेह जो हैं वो ख्वाजा साद हैं। ज़बरदस्त, तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ सफ़र आगे बढ़ेगा, और जिस तरह बताया कि ये एक कोशिश है यार समझिए एयरवे की तरफ से कि ये चीज़ें जो नापैद हो रही हैं इनको ज़रा जिंदा रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, और इसी सबब ये सारी सराह रहे हैं इस एफर्ट और इस कोशिश को, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। तीनों का बहुत शुक्रिया जनाब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारा क्विज का मुकाबला इंशाल्लाह।